पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय माता पिता व स्नेहमय बच्चों, यदि वास्तव में आज के पहले पाठ को और पवित्र सुसमाचार को आप सुनेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि यदि मनुष्य का हृदय स्वार्थ से भर गया है, अहंकार से भर गया है, तो वह अपनों के विरुद्ध और अपनों को भी बर्बाद करने से पीछे नहीं रहता है। हमारी जिंदगी में भी हमने कई बार दूसरों के बारे में गलत धारणा, गलत विचार और षड्यंत्र रचे होंगे। आज इन पाठों के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह हमें ऐसी गलतियों के लिए क्षमा मांगने के लिए आह्वान करता है। आइए, जब भी हमने गलत योजनाएं किसी औरों के बारे में बनाई है और उसमें सफल हुए हैं और सामने वाले को कष्ट हुआ है, ऐसे समय के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे कृष्ण दया कर। हे प्रभु दया कर। आइए, हम विशेष रूप से जब भी हमने औरों के लिए गलत योजना बनाई है, ऐसे समय के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, 40 की तपस्या से हमारी आत्मा निर्मल हो जाए ताकि हम आगामी पर्वों में शुद्ध मन से भाग ले सके। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय व जिह्वा पर हो, जिसे आप योग्य रीति से प्रभु के इस वचनों को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य संख्याएं 3-4, 12-13 और 17-18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार दें। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से योसेफ को
अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इज़राइल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़े चरा रहा है, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुँचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार कर किसी कुएं में फेंक दें, हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवा गिलाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले, उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था, योसेफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वाक्यांश 33 से 43 और 45 से 46 तक। यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा,
एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह प्रदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकर को भेजा, जिसे वे फसल का हिस्सा वसूल करे। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और उसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्ट का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो उसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता व स्नेहमय बच्चों, जिस तरह हम लोगों ने पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ से सुना है और पहले में ही कहा गया है, देखो वह सपना दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार डालें। जोसेफ एक मध्य यात्री में सपना देखता है, उस सपने को वह अपने भाइयों को बताता है, लेकिन उसके भाइयों को उस सपना का भाई के द्वारा बताना उचित नहीं समझा। योसेफ को अपने पिता बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने पिता के बुढ़ापे के समय में ये उत्पन्न हुए थे और इसीलिए उसका पिता उसके लिए एक अच्छा सुंदर कुर्ता बनवाता है। जो अपने भाइयों को अपने पिता का अधिक प्यार और उस सौंदर्य का कुर्ता ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 में आपको मिलेगा, मनुष्य तो योजना बनाता है बल्कि उसकी सफलताएं प्रभु पर निर्भर है। अपने ही भाइयों ने अपने भाई योसेफ के बारे में योजना बनाई। जब अपने पिता योसेफ से कहते हैं, आप अपने भाइयों
के पास जाए। योसेफ को, जो उसके भाई भेड़ बकरियां चरा रहे थे, खाने पीने का सामान लेकर के उन्हें मिलने के लिए सिक्किम भेजते हैं। लेकिन वहां चलते चलते जो अपने पिता ने जो जगह बताई थी वे वहां नहीं मिले। उन्हें कितना समय लगा होगा ढूंढने के लिए, क्योंकि सिक्किम के बदले वे दोतान में उन्हें मिलते हैं। और जैसे ही अपने भाई को वो देखते हैं, वे क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं, देखो सपना देखने वाला आ रहा है, हम उसे मार डाले, इस तरह की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन उसका भाई एक तरफ, दूसरे भाई गलत योजना बनाते हैं, तो एक तरफ रूबेन इस बात को सुनता है और वह यह चाहता है कि मैं मेरे भाई की हत्या ना होने दूं, और वह कहता है हम इसका खून ना बहाए, और वह कहता है हम इसे कुएं में डाल दे। लेकिन देखिए आगे जा करके जब वहां से इस्माइलियों का एक समूह आता है, उनके हाथों उन्हें बेच दिया जाता। यदि आप सचमुच में पवित्र बाइबल को पढ़ते हो तो प्रभु ईसा मसीह को भी बेचा गया, और बेचने वाला कोई और नहीं था, उसका अपना शिष्य था। प्रभु को 30 सिक्कों में बेच दिया, योसेफ को 20 सिक्कों में बेच दिए। हमारी जिंदगी में भी यदि एक भाई अपने भाई का अन्याय करता है, ज्यादा संपत्ति हड़प लेता है, और यदि हमारे परिवार में 5 बहनें हैं और बड़ी बहनों को कहा जाता है कि आप कीजिए, छोटी को काम मत बताइए, ये छोटी है, तो बड़ी निश्चित है कि ये नफरत करेंगे। बड़े भाई भी छोटों से नफरत करेंगे। लेकिन हमारी जिंदगी में अक्सर ये होता है कि प्रथम बच्चे को और आखिरी बच्चे को माता पिता बहुत प्यार करते। उसका कारण यह है, पहला बच्चा इसलिए क्योंकि उनके परिवार में बच्चा नहीं था, और वह जब उत्पन्न होता है तो मम्मी पापा का ध्यान उसके ऊपर जाता है, और आखिरी बच्चे पर इसलिए अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि उसके बाद उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन संतान माता पिता के लिए ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। लेकिन उसके बीच में हम अक्सर हमारे भाई बहनों से नफरत करते हैं। और आज के पवित्र सुसमाचार में जो मत्ती से लिया गया है, जो विशेष रूप से जमींदार के दृष्टांत के बारे में बताया गया है, और वह दागबारी लगवाता है। वहां दागबारी लगवाने के बाद वह असामियों को पट्टे पर देकर के प्रदेश चले जाता है और नौकरों को भेजता है फसल आने पे, ताकि वे उसका हिस्सा दे सके। लेकिन वो असामी लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, और किसी किसी नौकरों की हत्या कर देते हैं। आखिरी में वो अपने बेटे को भेजता है, उसे भी कहते हैं चलो हम इसे मार डाले क्योंकि ये उत्तराधिकारी है। सचमुच में इस दुनिया में यदि आप देखोगे, कितने सारे परिवार संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यदि अपने परिवार में 2 बहू है तो वो कहती है बड़ी को आपने इतना दिया, छोटी कहती है बड़ी को आपने ज्यादा दिया। यदि 2 भाई है तो दोनों झगड़ा रहे हैं माता पिता की संपत्ति के लिए। मैंने ऐसे परिवारों को भी देखा है जो माता पिता के पेंशन के लिए झगड़ा रहे हैं। क्या माता पिता ने आपको बड़ा किया, अपने सीने से चिपका करके रखा, अपने गले से लगा करके दिया, मरते मरते उन्होंने अपनी जिंदगी आपके दांव पे लगा दी, क्या उतना काफी नहीं है? दूसरी ओर देखिए कि माता पिता की क्या हालत हो रही है। हमारे परिवारों का, अपने ही बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, कोई किसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, कोई किसी का सहारा बनना नहीं चाहते हैं,
हम धर्म को अपना करके चलते हैं, लेकिन क्या सचमुच में मुझ में धार्मिकता है? ये दिल बहुत ही उपजाऊ है, इस दिल में जो भी बोओगे भयंकर पनपता है। यदि आपने माता पिता के प्रति प्रेम बोया है तो प्रेम ही पनपेगा। यदि आपने माता पिता भाई बहनों के प्रति नफरत बोई है इस दिल में तो नफरत ही पनपेगी, क्योंकि जो बोया है वो उसका फसल आना निश्चित है। लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 में आपको मिलेगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, ये प्रभु के वचन है। यदि परिवार में माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, यदि एक भाई दूसरे भाई से दुश्मनी कर रहा है, यदि एक बहन दूसरी बहन से दुश्मनी कर रही है, हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य 6 में आपको मिलेगा, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यदि प्रभु आपका सहारा है, आपको सब कुछ दिलाएगा, वो सब कुछ आपको देगा, क्योंकि जिसके पास बहुत है उसे वो भी लिया जाएगा। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा, धन दौलत लड़ाई झगड़े संपत्ति गाड़ियां सोना चांदी ये सब यहीं छोड़ करके जाना होगा, कोई कब्रिस्तान तक कोई शमशान घाट तक ले करके नहीं जाएगा। आप कितने भी दुश्मनी कर लीजिए, आप कितने भी हत्याएं करने का षड्यंत्र रच लीजिए, बहुत सारे हमारे परिवार टूट रहे हैं, लोग बाग हत्याएं कर रहे हैं, लोग बाग मनुष्य को जानवरों की तरह काट रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई संपत्ति के लिए, कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भी। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता है, प्रभु ये चाहता है कि आप एक दूसरों का सम्मान करें, एक दूसरों की इज्जत करें, एक दूसरे को जिंदगी दे, एक दूसरों को मदद करें, यही प्रभु चाहता है। और इन पाठों के माध्यम से आज ईश्वर हमसे यही कह रहा है, क्योंकि प्रभु बहुत ही दयालु है, प्रभु शक्तिशाली है, हम उसी के बेटे बेटियां हैं, उसमें विश्वास करें और अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनते हुए, एक अच्छा उदाहरण देते हुए जीवन व्यापन करें। आमीन। अर्पण भगवन अपना लो मेरा धन मेरा मन भगवन, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ तेरे मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा धन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आइए हम भेंट के रूप में जिन परिवारों में झगड़े हैं संपत्ति के लिए धन दौलत के लिए, उन सभी परिवारों को
भेंट के रूप में अर्पित करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं का हृदय तैयार कर, ताकि वे धर्माचरण द्वारा इस संस्कार के योग्य रीति से भाग ले सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्त्रोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता, धन्य कुआरी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे सब सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ तोरी में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के को खोल करके जो परिवार टूट चुके हैं धन दौलत संपत्ति की वजह से एक दूसरों से बात नहीं करते हैं, उन सभी परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना बोले। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानक जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमने तुझसे अनंत मुक्ति की धरोहर पाई है। हम सन्मार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करें जिसकी तू प्रतिज्ञा करता है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तू पा